दोस्तों आपके अपने चैनल मनोज यादव सौर में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं ये बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सवाल दिया है 2x² + 8x + 6। तो हम 8x को दो भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि यदि हम उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8x आना चाहिए। यदि इनकी संख्याओं को गुणा हम करेंगे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसको हल करते हैं। तो सवाल है 2x² + इसको 8x हम तोड़ेंगे 6x + 2x, अंतिम लिखा है +6। तो इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2x² + 6x, एक कोष्टक में हो जाएगा, +2x + 6 एक कोष्टक में हो जाएगा। एक स्टेप और चलते हैं, हम 2x² के लिख सकते हैं 2×x×x, +6x को लिख सकते हैं 2×3×x, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब प्लस 2x को लिख सकते हैं 2×x, +6 को हम लिख सकते हैं 2×3, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसमें कॉमन ले लेते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हम 2x इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2x इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 3। ये प्लस ऐसे इसमें भी करते हैं, इसमें देखते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें है, x इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो हम 2 इसमें दोनों में से 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x + 3। फिर बराबर अब इसमें भी x + 3 और इसमें भी x + 3 है, तो दोनों में x + 3 है तो x + 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, x + 3 कॉमन हो जाएगा, तो दूसरे क्वेश्चन बचेगा 2x + 2। यही मेरा आंसर है। अब आपको लिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप उसको हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो सवाल है x² + 4x + 4, इसको हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।